टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। राज्यसभा में वोटिंग के पहले समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा है। पार्टी के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ खेला हो गया है। समाजवादी पार्टी के राकेश पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह बीजेपी नेताओं के साथ वोट डालने पहुंचे हैं। अभय और राकेश ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के तीनों प्रत्याशी जीतेंगे। बीजेपी जीतने के लिए सब कुछ करेगी, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो एक दिन खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आरजेडी विधायक अरुण यादव के आवास सहित तीन ठिकानों पर छापेमारी जारी है, यह जानकारी ईडी ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तीन प्रमुख तकनीकी इकाइयों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री यहां विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अपनी यात्रा के दौरान गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की भी समीक्षा करेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा के सफल संचालन, गरिमा बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र में आज महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी। राहुल गांधी द्वारा फोन पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार से बात करने के बाद आघाड़ी की पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कोशिश रहेगी कि सीट बंटवारे का पेच सुलझ जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने चुनाव अभियान के दौरान आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए पार्टी की गारंटी के रूप में प्रत्येक गरीब परिवार को प्रति माह 5,000 रुपए की इंदिरामा यूनिवर्सल बेसिक इनकम सहायता की घोषणा की। शेयर बाजार की शुरुआत में बैंक और रियलिटी सेक्टर की गिरावट के चलते बाजार की शुरुआत लाल निशान में हुई है। आज आईटी शेयरों की अच्छी तेजी से बाजार को थोड़ा सहारा मिल रहा है, वरना बाजार की शुरुआत और ज्यादा गिरावट के साथ होती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की करीबी विधायक किरण देवी की आवाज पर मंगलवार की सुबह ईडी की टीम पहुंची। ईडी की छापेमारी में चल अचल संपत्ति की जानकारी ली जा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। 50 करोड़ फंड के मामले में ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच शुरू कर दी है। शिवसेना यानी शिंदे गुट ने मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के खिलाफ शिकायत की थी कि इलेक्शन कमीशन द्वारा उन्हें अस्थिर शिवसेना घोषित करने के बावजूद भी पार्टी फंड से तकरीबन 50 करोड़ रुपए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी द्वारा निकाले गए थे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 143, 145, 149 और 188 के तहत मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बसवराज पाटिल मुरुमकर ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह दावा किया। पाटिल 1999 से 2004 के बीच राज्य सरकार में मंत्री रहे थे। महाराष्ट्र के उरण में सोमवार को एक क्रीक पर स्थित पुल के ढह जाने से दो लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में वो महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और इस वीडियो को महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी शेयर किया और सवाल किया कि अगर कल को जरांगे पाटिल मर गए तो क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। गजल सम्राट पंकज उदास का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। कानों में अमृत घोलने वाली अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों तक अपनी बात सुरों के माध्यम से पहुंचाने वाले पंकज उदास ने 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-1 की बढ़त बना ली है, मतलब 5 टेस्ट मैच की सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। भारतीय टीम ने रांची में सीरीज का चौथा टेस्ट जीतते हुए सीरीज फतेह की स्क्रिप्ट लिखी। बॉलीवुड फिल्म आर्टिकल 370 का कलेक्शन वीकेंड की बात गिरा है, लेकिन इसे वीकडेज के हिसाब से बुरा नहीं कहा जाएगा। ये फिल्म बड़े स्टार से लदी विद्युत जामवाल की क्रैक पर भारी पड़ती नजर आ रही है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। लंबे वक्त से 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को जल्द ही खाते में 2000 रुपए प्राप्त होने वाले हैं। कल यानी 28 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी देश भर के करोड़ों किसानों के अकाउंट में 16वीं किस्त के पैसे डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए ट्रांसफर करेंगे।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। अब की बार आरबीआई की गाज 3 बैंकों पर गिरी है। इनमें देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, कैनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक शामिल हैं। इन बैंकों पर विभिन्न रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के चलते लगभग 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।